वीडियो एडिटिंग एक एवरग्रीन एंड हाई पेइंग स्किल है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें बनता जाता है, आप उतना ज़्यादा अर्न करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी है कि हम वीडियो एडिटिंग क्यों लर्न करें, क्यों इस स्किल को हम सीखें। इसकी बहुत सी वजूहत है। आप एक यूट्यूबर भी हो सकते हैं, आप एक टिकटॉकर भी हो सकते हैं, स्नैक पर भी वीडियो बनाते होंगे या फिर आप फेसबुक पेजेस पर वीडियो बनाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग आती हो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस फिल्मोरा की एडिटिंग कंप्लीट इस वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी आज तक आप लोगों ने एडिटिंग नहीं की, सो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लेंगे। ये वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने शूट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बन रही है, ये सारी की सारी वीडियो हम इसी फिल्मोरा के अंदर एडिट करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात भी आती है कि अगर आप यूट्यूबर नहीं है, टिकटॉकर नहीं है, तो फिर आप वीडियो एडिटिंग क्यों सीखें। भाई मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक एवरग्रीन स्किल है और हाई पेइंग स्किल है। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया तो हो गया होगा कि आज का जो टाइम है, ये जो वक्त चल रहा है, ये सोशल मीडिया का टाइम है। और सोशल मीडिया पे आप लोगों को बताया, जितनी अच्छी एडिटिंग और जितनी अच्छी ग्राफिक्स होंगी, वो वीडियो उतने ज़्यादा चांस होते हैं उसके रैंक होने के, पॉपुलर होने के। सो जितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, उतने ज़्यादा वीडियो एडिटर भी चाहिए। कोई यूट्यूबर है, कोई फेसबुक पर वीडियो बनाता है या टिकटॉकर है, उसको एक ना एक वीडियो एडिटर लाजमी चाहिए होता है। इसके अलावा आप चले जाएँ ड्रामा इंडस्ट्री में, इसके अलावा आप चले जाएँ फिल्म इंडस्ट्री में, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ज्यादा आप यहां से अर्न कर पाएंगे। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन जाएंगे, देन आप अपवर्क फाइवर गुरु.com पर जाकर इसकी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को आप वीडियो एडिटिंग करके उससे पैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप पर और कंप्लीट एडिटिंग समझते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल पर एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, जहां पर आप लोग उस वीडियो को देखकर कंप्लीट मोबाइल पर प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। अब हमने पहला काम जो करना है वो ये करना है, हमने फिल्मोरा को ढूंढना है, उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और देन हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले गूगल पर आके आप लोगों ने लिखना है फिल्मोरा 11, आप लोगों ने लिखना है, और इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है वोंड्रा शेयर नेट फिल्मोरा, यानी ये फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है, फिल्मोरा 11 के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी हमारे सामने ओपन हो जाएगी, ये फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से जो आप डाउनलोड करेंगे वो ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा है फ्री डाउनलोड, और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर भी लिखा नज़र आ रहा है डाउनलोड। अब आप जहाँ पर मर्जी इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने डाउनलोड के ऊपर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें डाउनलोड हो गया, नेट की स्पीड अच्छी थी तो ये जल्दी से डाउनलोड हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, शो इन फोल्डर करना है। यहाँ पर आ जाएं, ये देखें आपका पूरा सेटअप पड़ा हुआ है। डबल क्लिक इसके ऊपर करें, सिंपली ये बहुत आसानी के साथ इंस्टॉल हो जाता है बिल्कुल। यह पर देखें आप लोगों ने यस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये देखिए आप लोगों ने डायरेक्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसी वेबसाइट से आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा आपके पास किसी दोस्त फ्रेंड वगैरह से मिल जाए तो वो अलग बात है। तो अभी हमने इसको क्या करना है, ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप लोगों की रैम ठीक है, लैपटॉप के पीसी की कोई 12 GB 16 GB रैम है या 8 GB रैम है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन अगर 4 GB रैम है या 6 GB रैम है, तो ये थोड़ा थोड़ा स्लो चलेगा। आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। तो इस पर हम एडिटिंग इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तो आप लोग पूरी की पूरी एडिटिंग आप कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को हर चीज़ समझाऊंगा। इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे आप, तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। याद रखिएगा, ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये फिल्मोरा 9 है, लेकिन 11 भी इसी ही तरह का है, बिल्कुल इंटरफेस सेम है, कोई उनमें चेंजिंग नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगी ट्रांजेक्शन या कुछ मजीद उसके अंदर जो है इफेक्ट वगैरह होंगे बस, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये 9 था, तो मैं 9 पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इंस्टॉल भी पड़ा हुआ है। अच्छा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट तो होंगे नहीं, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम करना है, तो आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से साइज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस चीज़ के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं। 16x9 होगा YouTube के लिए, Facebook पेजेस के लिए, ये 1x1 होगा Instagram के लिए, जो Instagram की हम वीडियो बनाते हैं, और 9x16 होगा आपकी TikTok वीडियो के लिए, स्नैक वीडियो के लिए, Instagram रील्स के लिए, या फिर Facebook रील्स जो चल रही है उसके लिए होगा, ठीक है। ये तीन साइज अमूमन जो है इस्तेमाल होते हैं। 16x9 यानी YouTube के लिए वीडियो एडिट करनी है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा साइज सेलेक्ट करने के बाद। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल इंटरफेस है।
इस तरह के अपडेट वगैरह आपसे पूछेगा तो आप लोगों ने इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त एक आसान सा इंटरफेस हमारे सामने आ गया, सारे का सारा काम यहीं पर होगा। यहाँ पर आप लोगों को 4 से 5 ऑप्शन मिलते हैं मीडिया का, यहाँ पर हमने अपनी तमाम फोटो वीडियो जितनी भी होंगी हमने वीडियो एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर हम उसको लेके आएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी ऑडियो होगी, यहाँ पर जितने भी हमारे म्यूज़िक बैकग्राउंड पर लगाने हैं जो भी लगाना है यहाँ पर लगाएंगे, ट्रांजिशन लगानी है, उसमें टाइटल है, यानी जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि मेरा नेम आया था, आप लोगों ने यहाँ से वो टाइटल लगाने हैं, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशंस हैं, इफेक्ट है, एलिमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करें। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने यहाँ पर वो डाटा वो इंपोर्ट करनी है, वीडियो जो हमने रिकॉर्ड करी है जिसको हमने एडिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो फाइल लेके आएंगे, डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर सिंपली, और जो फाइल पड़ी है मेरी, जो मेरी वीडियो पड़ी है उसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए वो मेरी वीडियो आ चुकी है। अब आप लोगों को नीचे यहाँ पर 3 लेयर नज़र आ रही हैं, 1, 2 एंड 3। हमने जो मेन है बड़े वाली ये जो मिड में है इसके ऊपर हमने इसको ड्रैग ड्रॉप करना है, यानी इसको उठाना है यहाँ से और यहाँ पर लाके इसको छोड़ देना है। यहाँ से आप लोगों को अगर चाहते हैं हाई क्वालिटी में तो आप लोगों ने 13 FPS पे क्लिक कर देना है जो कि रेजोल्यूशन मैच कर रही है, अपने इसके ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारी वीडियो आ चुकी है, जैसे जैसे हम जो जो एडिटिंग करेंगे इस सेक्शन में, यहाँ पर जो आप लोग वीडियो शो हो रही है यहाँ पर आप लोगों को तमाम की तमाम जो हम यहाँ पर इफेक्ट करेंगे नीचे, तो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर शो होते जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। जब भी हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड करता है, तो होता क्या है, स्टार्टिंग में कुछ आप लोगों को अपने बालों की सेटिंग करते हैं, फेस की सेटिंग करते हैं, अपने लैपटॉप की किसी चीज़ों की सेटिंग करते हैं, या आप लोगों को स्टार्टिंग में वीडियो ठीक से स्टार्ट नहीं होती तो हमें स्टार्टिंग से वीडियो कट करनी पड़ती है। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है, यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी वीडियो जो है मेरी ख़राब है तो मैंने इसको कट करना है। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है इसका वो यही है कि हमने वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो हमने इम्पोर्ट कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद हमने वीडियो को इसके अंदर ले आए लेयर्स के अंदर। अब हमने वीडियो की एडिटिंग करनी है और एडिटिंग में पहला चैप्टर ये है कि हमने इसको कट करना है, हमने स्टार्टिंग से जो हमारी वीडियो खराब होगी उसको कट करना है, मिड से जो हमारी वीडियो जहां जहां से हमारी वीडियो खराब होगी हमने उसको कट करना है, यानी हम वीडियो बना रहे होते हैं शोर आ रहा होता है, कोई बच्चा आ गया, कोई मतलब किसी किस्म का कट करना हो हमने वो कट करनी है स्टार्टिंग से, एंड से और मिड से। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से कट करना है। अभी देखिए मैं वीडियो को प्ले करता हूं। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है, यहाँ पर देखें जो स्टार्टिंग से गुजर गया है वो सारे का सारा मेरा ख़राब पार्ट था वीडियो का। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक सेकंड लाइन नीचे नज़र आ रही है, ये तो है वीडियो हमारी जो है, ये वीडियो का नीचे म्यूज़िक है, ये इसके साथ चिपका हुआ होता है, हम इसको लग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर आपकी लाइन से नज़र जो आ रही है जब जिसके ऊपर मैंने अपना कर्सर रखा है तो वो वॉल्यूम बता रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पर इस वॉल्यूम को कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, अपने वीडियो के वॉल्यूम को यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको फुल कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसकी जो है फुल कर दिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। अभी हमने इसको क्या करना है, कट करना है। कट करने के लिए देखें ये रेड कलर की ऊपर लेयर नज़र आ रही है आप लोगों को, इसके ऊपर कैंची बनी हुई है। अब हम इसके ऊपर कर्सर लेके गए हैं तो ये देखिए फिंगर बन गई है, हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा। ये देखें जनाब इसके ऊपर हमने क्लिक किया, सिंपल कीबोर्ड से आप लोगों ने डिलीट प्रेस कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगी। अभी प्ले करते हैं, देखिए वीडियो एडिटिंग एक एवरग्रीन एंड हाई पेइंग स्किल, यानी जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है खराब पार्ट है वो हमने कट कर दिया है, ठीक है। अभी देखें अभी जहां पर भी हमारे कट होंगे यहां ऑडियो से भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहां पर हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब आप रिकॉर्ड करेंगे आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि हमारी वीडियो कहां कहां से ख़राब है और कहां कहां से नहीं ख़राब। मैं आप लोगों को दिखाता हूं जहां से हमारी मिड में कोई अगर वीडियो ख़राब है तो मिड से अब हम कट करेंगे इस वीडियो को। ये देखिए यहां से हमारी वॉइस जो है वो नई रिकॉर्ड, यहां पर देखिए गैप है, तो यहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा, यानी वहां पर मैंने वीडियो को ब्रेक लगा दिया, यहां पर मैं चुप कर गया हूं और यहां से मेरा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। मैं यहां से फिर कैंची के ऊपर क्लिक करूंगा, कट हो जाएगी और उसके बाद मेरी वीडियो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है। यानी यहां पर मैंने थोड़ा सा बोला लेकिन नहीं वो अंडरस्टैंडिंग हुई, यहां पर फिर मैं उसको मजीद कट कर दूंगा, यहां पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा और डिलीट करूंगा। और मज़े की चीज़ है ये ऑटोमेटिकली चिपक जाता है आपके साथ, ठीक है। ये हमने मिड से कट कर दिया, अब हमने इस वीडियो को कट करना है एंड से, एंड पर चले जाएंगे। ये देखिएगा जब मैं बोलूँगा ना लेट्स गो एंड स्टार्ट तो उसके बाद हमने इस वीडियो को ब्रेक लगानी है और एक्स्ट्रा पार्ट जो है कैमरा बंद करने का वो हमने कट कर देना है। स्टार्ट, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने कैमरा बंद करने का लेट्स गो एंड स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद हम लैपटॉप पे आए थे तो यहाँ पर जो एंड वाला पार्ट है वो हमने ये वाला कट कर देना है। अब हमारी वीडियो इस तरह भी एडिट हो चुकी है लेकिन अब मैंने इसको मज़ीद प्रोफेशनल बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमें देखें मिड में जितने कट थे, स्टार्ट में जितने कट थे, जितनी ख़राब वीडियो एंड पर थी वो हमने सारी की सारी कट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा अफेक्टिव बनाना है। जैसे आप लोगों ने देखा मेरी वीडियो स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में ट्रांजिशंस थी आई थी, यानी कुछ चीज़ें आई थी जो स्क्रॉल कर रही थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ट्रांजिशंस लगाएंगे। लेकिन हमने ये फॉलो करना है सबसे पहले इन स्टेप्स को ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। तो
मीडिया को हमने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद हमने कट वगैरह कर लिए। अब हम आ जाना है ऑडियो के ऊपर। ऑडियो के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखें जनाब, बहुत से म्यूज़िक जो है वो पड़े हुए हैं। कोई भी म्यूज़िक हम उठाते हैं और अपनी वीडियो के नीचे हम उसको लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके पहले हमें यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपके नेट की स्पीड अगर अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं कोई भी म्यूज़िक उठाता हूँ, ये वाला फॉर एग्जांपल, आपने ऐसे उठाना है, ड्रैग करना नीचे ला के यहाँ पे छोड़ देना। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा म्यूज़िक कम कर देता हूँ, यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है रखता हूँ। अभी देखें यहाँ पर म्यूज़िक भी बैक में चलेगा, हमने म्यूज़िक अपनी वीडियो के जो है वो ऐड कर दिया उसके हिस्से में, ये देखिएगा। वीडियो एडिटिंग एक एवरग्रीन एंड यानी हमने म्यूज़िक ऐड कर दिया। इस तरह से आप लोगों ने म्यूज़िक ऐड करना है अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अगर आपके पास म्यूज़िक पड़ा हुआ है कोई, आप चाहते हैं कि मैं फिल्मोरा का म्यूज़िक यूज़ नहीं करना चाहता, आप इंपोर्ट म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी म्यूज़िक यहाँ पर ला के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वो आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट। अभी हमने म्यूज़िक ऐड कर दिया, अभी हमें चलना है टाइटल के ऊपर। ये टाइटल पोर्शन है, टाइटल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप कोई भी टाइटल लगा सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में मेरा नेम आया था, तो यहाँ पर हम जो है कोई भी टाइटल लगा सकते हैं। लगाना किस तरह है ये देखें, बहुत से डिज़ाइन आप लोगों को मिल रहे हैं। डिज़ाइन आप लोगों ने चेक कैसे करना है किसी भी डिज़ाइन के ऊपर, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से कोई अच्छा सा देखता हूँ, ये देखें मुझे ये लग रहा है कि अच्छा हो गया, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अब ब्लैक शो हो जाएगा। अभी हमने वहाँ से वो एक सेलेक्ट की हुई है लायर, और यहाँ से हम प्ले करेंगे तो ये हमें डेमो दिखा रहा है कि इस तरह से आपका शो होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लगाना है तो मैं यहाँ से इसको सिंपली ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ला के ड्रॉप कर दूँगा। अभी देखिएगा आप जनाब होगा क्या, ये देखें अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखिएगा। एवरग्रीन एंड हाई पेइंग स्किल है। अब हमने क्या करना है, हमने इस जो है ट्रांजिशन को सिलेक्ट करना है, इस इफेक्ट को, और इसके बाद हमने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आके इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एडिटेबल हो जाएगा ये, यहाँ पर देखें। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पे अपना नेम लिख देना है। अभी हम यहाँ पर अपना नेम लिखते हैं, देखें ये हमने नेम लिख दिया। अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये 38 पे है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ से जितना मर्ज़ी करिए, हम 40 कर देते हैं, ये देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको मज़ीद बड़ा कर देंगे, 40 पे है तो हम इसको करते हैं 48 पे, ये देखिए बड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज़ जितना रखना चाहिए अपने यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट आपको मिल रहे हैं, स्टाइल मिल रहे हैं, यानी मैंने जो स्टाइल लगाया हुआ है, मैंने वो आई थिंक सो ये लगाया हुआ था, ठीक है। ये स्टाइल लगाने के लिए आप लोगों ने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है ऐसे सारे को, और उसके बाद आप लोगों ने, और इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर अफेक्ट जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, और ओके के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको वाइट ही रखूँगा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है, तो ये जो ग्रीन है उसके ऊपर वाइट अच्छा लगता है। हमने ये तो कर लिया एडिट, अब हमने नीचे वाला करना है। आप लोगों को ये यहाँ पर लिखा हुआ है योर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी कोई कैप्शन लिख सकते हैं, लेकिन ये भी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, हम इसको यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर हम इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाला बैकग्राउंड यहाँ पर रखते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं नेम के ऊपर, नेम को हम यहाँ पर रखते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे वाला जो योर प्रेजेंट इसको उठा के नीचे ले आएँ यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ से जो चार बटन होते हैं स्क्रॉल के, उनकी मदद से भी इनको आगे पीछे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जनाब इसको उठाना है और यहाँ पर ला के रख देना है, ये देखिएगा ज़रा इस तरह से, ठीक है। अभी हम इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर देते हैं। अभी हम इसको प्ले करते हैं और देखिएगा, यहाँ से आप लोगों ने इसको ओके ज़रूर कर देना है। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखिएगा अभी ज़बरदस्त ग्रीन एंड हाई पेइंग स्किल है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें बनता जाता है आप उतना ज्यादा ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने इंट्रो नेम वगैरह ऐड करने हैं। यहाँ से आप लोग टाइटल अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिएगा। इसको हम आप लोग सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस तरह का है, ये कुछ इस तरह से आएगा। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मज़ीद आगे, और आगे जो हमने कट लगाए हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। हमने जो कट लगाए हैं ये जो है सेक्शन नेक्स्ट जो है टाइटल हमने लगा लिया, आइडियो लगा लिए, उसके बाद हमने ट्रांजिशंस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर इंक्लूडेड के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर ऑल ट्रांजिशन जितनी भी हैं फिल्मोरा के आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इनका काम क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अभी देखें। यहाँ पर मेरी वीडियो डायरेक्ट प्ले हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में थोड़ा सा इफेक्ट आए, तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन अपनी मर्जी से ये देखें यहाँ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये ट्रांजिशन क्या काम करती है, इसके ऊपर क्लिक करें, आपको ये अपना काम दिखाएगी कि वो करती क्या है, ये देखें। तो मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो जब स्टार्ट हो, स्टार्टिंग से इस तरह से ज़बरदस्त ट्रांजिशन आए, तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और वीडियो के स्टार्ट में जाके
पुट कर दूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा ट्रांजिशन के ऊपर, और यहाँ पर देखें वो स्क्रोल सा बन गया। अभी मैं इसको छोटा कर सकता हूँ ड्रैग करके इस तरह से अपनी मर्जी से, ये मैंने छोटा कर दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिएगा वीडियो एडिटिंग एक इस तरह से आप अपने वीडियो के अंदर ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं जहाँ से हमने मिड से कट किया है वीडियो वहाँ पर भी ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये ट्रांजिशन का सिर्फ यही काम है कि ये कट के अंदर अपनी खूबसूरती पैदा कर देती है। अभी हम दूसरा ढूंढते हैं जो हमने कट लगाया था। यहाँ से आप इसको, ये आपको माइनस और प्लस का नज़र आ रहा है आइकॉन, यहाँ से आप इसको जूम और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है एंड पे, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर भी हम ट्रांजिशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कौन सी, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रांजिशन बताता हूँ। ये देखें, ये फ्लैश ट्रांजिशन जो है, फ्लैश ट्रांजिशन, इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पर लेके आएंगे तो आधा काम तो ये हमारा फिल्मोरा खुद ही करता है। हम उसके ऊपर जस्ट लेके आए, ये इसने ऑटोमेटिकली चिपका लिया खुद के साथ। तो यहाँ से भी आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितनी बड़ी आप इसको करना चाहें। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो यहाँ से अब हम इसको प्ले करेंगे और देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ ये गुजरेगी कट यहाँ से। चलते हैं मोबाइल पर, तो चलते हैं लैपटॉप पर और देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये कट वहाँ से गुजर गया है। अभी हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट। यहाँ पर अपनी मर्जी से आप जितनी मर्जी ट्रांजिशन लगा सकते हैं, जिस तरह की मर्जी ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने जाना है इफेक्ट के ऊपर। ये इफेक्ट क्या काम करते हैं ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कट के बाद हमने कुछ चाहते हैं हमारी वीडियो, मतलब कुछ ऐसी एडिटिंग भी होती है जहाँ पर सैड सी हो जाती है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है, इस तरह से करके जो है ना आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को दिखाएगा कि हमारा काम क्या है। इसको प्ले करते हैं, ये देखिए हमारी वीडियो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी मैं आप लोगों को ये इफेक्ट जो है वो लगा के चेक करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यानी जैसे ही हमारा कट आए वहाँ पर हमारी जो वीडियो जो है उस पर इफेक्ट लग जाए। अभी इसको जो है हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी वीडियो पे इफेक्ट करता है। तो चलते हैं मोबाइल पर, तो चलते हैं लैपटॉप पर और कंप्लीट एडिटिंग समझते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल पर एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देखा हम इसको अपनी मर्जी से ड्रैग ड्रॉप करके ज़्यादा एरिया या कम एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना जितनी भी इफेक्ट या जितनी भी चीज़ें लगानी है इस लेयर के ऊपर हमने लगानी है, ठीक है। हमने नीचे तो लगा दिया म्यूज़िक और इसके बाद उसका अपना म्यूज़िक है वीडियो का, और उसके बाद हमने जितना भी काम करना है इस लेयर के ऊपर करना है, इस वाले लेयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने इफेक्ट भी लगा दिया है। आप लोगों को अब समझ लग रही होगी कि कितने अच्छे अंदाज और कितनी आसानी के साथ यहाँ पर एडिटिंग होती है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ऐसे और बैक चलते हैं ताकि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर जो है वो समझ आती जाए। अब हम फिर स्टार्ट से आ गए हैं। अभी हमने क्या करना है, आप लोगों को पता होगा कि हम देखते हैं अक्सर वीडियो में आता है सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब का बटन आता है ऊपर और उसके ऊपर टच होता है फिंगर से और वो फिर जो है वो वीडियो में एक खूबसूरती पैदा कर देता है। हमने वो सब्सक्राइब बटन लगाना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने वो सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन जो है वो डाउनलोड करके रखना है, वो भी हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब चलते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है दो रह गए। एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें बहुत से एलिमेंट मिल जाते हैं, यानी ये देखें बने बनाए, ये दिल वगैरह, ये परिंदा सा, ये लव वगैरह और बहुत सी हमें चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इमोजीज़ वगैरह अगर अपनी वीडियो में आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कोई फ़नी सी चीज़ है तो यहाँ से आप अपना फ़नी इमोजी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर। ये एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, अगर कोई फ़नी वगैरह लाफ वगैरह लगाना हो आपने स्माइल वगैरह का तो यहाँ से लगा सकते हैं सिंपली, वैसे जैसे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्ट ड्रॉप करना है। जैसे मैं हेड लगाना चाहता हूँ ये वाला साइड पर, तो कैसे आएगा ये, इस तरह से दिल आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोगों को चेक करवाता हूँ लगा के। यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, अब यहाँ से अपनी वीडियो प्ले करते हैं तो ये देखिएगा ज़्यादा अर्न करते जाते हैं। अभी इस दिल को हम अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और सिंपली किसी भी जगह पर इसको यहाँ पर हमने एडजस्ट कर देना है। जैसे आप लोगों ने देखा मैंने स्टार्टिंग में टिकटॉक स्नैक और सब ये यहाँ पर लगाई थी वो उनकी तस्वीरें, तो वो तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की थी मीडिया के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी लगा के वो भी, तो इस तरह से आप लोगों ने वो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया और अपनी मर्जी स्लाइड्स यहाँ पर सेलेक्ट किया और उनके नीचे म्यूज़िक लगा दिया। म्यूज़िक मैंने कहाँ से उठाया था, ऑडियो के ऊपर आया था, ऑडियो के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैंने वो म्यूज़िक सेलेक्ट किया था। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वो लगाना है म्यूज़िक जो है, तो मैं कैसे लगाऊँगा, यहाँ पर साउंड इफेक्ट पे आ जाऊँगा, यहाँ पर कोई ना कोई मैं म्यूज़िक उठा लूँगा यहाँ पर, ठीक है। यानी ये देखिए ये म्यूज़िक मैं लेदर शूट उठाता हूँ और इसके नीचे ला के इसको पेस्ट करता हूँ नई लेयर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखें अभी हम इसको प्ले करते हैं तो ये वैसी ही वॉइस देगा, इसको अभी प्ले करते हैं, अर्न करते जाते हैं। लेकिन देखा आपने इस तरह से आप उससे लेयर के नीचे जो है, यानी ये देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं ना, आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना चिपका देता है साइज़ के साथ, ये इसके बड़े फ़ायदे हैं। अभी हम एलिमेंट के ऊपर थे तो एलिमेंट से हमने ये दिल लगा लिया, अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं। अब स्प्लिट स्क्रीन का काम क्या होता है, स्प्लिट स्क्रीन का काम ये होता है, मैं आप
चेक करवाता हूँ आप लोगों को। इसके ऊपर हम क्लिक करें, ये दो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, एक वन एंड टू। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल दो बंदे इंटरव्यू कर रहे हैं किसी का, तो हम चाहते हैं कि एक स्क्रीन पे दो बंदे शो हो, यानी एक साइड पे क्वेश्चन करने वाला एंकर और दूसरी साइड पर गेस्ट हो जवाब देने वाला। तो हम इस स्प्लिट स्क्रीन के जरिए दो बंदों को, तीन बंदों को, चार बंदों को जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से साइज़ जो है सेलेक्ट करके इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम देखें प्ले करेंगे तो इस तरह से वो एक साइड पे सवाल पूछने वाला होगा, एक साइड पे जवाब देने वाला होगा। तो इस तरह से हम एक ही कैमरे से शूट की गई वीडियो को कट करके दोनों साइडों पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका सिर्फ इतना काम है, ये बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर मीडिया वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं अगेन मीडिया के ऊपर और आप लोगों को कुछ मज़ीद चीज़ें समझाता हूँ। अभी हमने करना क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने सब्सक्राइब बटन ऐड करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अभी यहाँ से आप याद रख लें, सिंपल बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की वीडियो एडिटिंग आपको आ चुकी है, क्योंकि मेन चीज़ें जो होती हैं वो तस्वीरें ऐड करना, एलिमेंट्स ऐड करना, मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िक ऐड करना, कट करना मिड से, स्टार्ट से एंड एंड से, ये चीज़ें होती हैं वो आपको अभी तक आ चुकी हैं, कॉन्ग्रेट्स। अभी हमने थोड़ी सी प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है एडवांस लेवल पे। अभी हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, अपने जाएंगे यहाँ पर सब नाइन आप लोगों को लिखा, मैंने ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करके रखा हुआ है, बल्कि मैंने एक और प्यारा सा करके रखा था, मैं उसको चेक करता हूँ तो मेरे पास पड़ा हुआ हो तो, ठीक है। अभी हमने ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर देखें, ये पड़ा है मेरे पास, इसको डबल क्लिक करना है मैंने, ये फिल्मोरा के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर मैं इसको येस करूँगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये देखें। अभी मैंने क्या करना है जनाब, मैंने सब्सक्राइब बटन ऐड करना है, तो मैं सिंपली हर बार की तरह ड्रैग करूँगा, नीचे ला कर ड्रॉप कर दूँगा, यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ अपना सब्सक्राइब बटन। अभी देखें यहाँ पर ये सारा ग्रीन आ जाएगा, ये देखें, ये देखिएगा आप, यहाँ पर सारा ये ग्रीन आएगा, लेकिन हमने ये ग्रीन पन इसका ख़त्म करना है। हमने क्या करना है, अभी ग्रीन ये ख़त्म करने के लिए, इसको कहते हैं क्रोमा की ग्रीन इफेक्ट, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है साइड पे आके उस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद हमने जाना है, ये ग्रीन स्क्रीन लिखा नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ से भी आप इसकी क्वालिटी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि जो है वो मज़ीद हमारी वीडियो इफेक्टिव हो। ये देखें यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं इसकी, जिस तरह से चाहें, अच्छी बुरी, जिस तरह से भी आप पंगे लेना चाहें आप यहाँ पर लें, क्योंकि ये पंगे लेने से आएगा आपको। ये देखें यहाँ पर इसको रखते हैं और ये ओके करते हैं। अभी देखिएगा हम प्ले करते हैं, ये थी थोड़ी सी आपकी एडवांस आपके लिए स्किल को हम सीखें। इसकी बहुत सी वजूहत है, आप एक यूट्यूबर भी हो सकते हैं, आप एक टिकटॉकर भी हो सकते हैं, स्नैक पर भी वीडियो बनाते होंगे, इस तरह से आप सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अभी हमने कुछ मज़ीद चीज़ें सीखनी हैं और वो ये हैं कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में मेरी वीडियो जूम एंड जूम आउट हो रही थी, वो कैसे करनी है जूम एंड जूम आउट, अभी हम चलते हैं, मैं एंड पे जाकर समझाता हूँ, क्योंकि एंड पे हमारा एक कट है और उस कट के बाद हम उसको जूम करेंगे, यानी यहाँ पर हमारा एक कट आएगा, ये देखें इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट के बाद हम यहाँ पर एक कट देते हैं इस वीडियो को। हमने यहाँ पर इसको एक कट दिया, कट देने के बाद जो है इस वीडियो को जो ये हमारी अलग हो चुकी है, ये कट ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने इसको जूम करना है, यानी मैं कोई बात करूँ तो मेरा फेस जो है बिल्कुल आपके सामने आ जाए, थोड़ा सा नज़दीक आ जाए, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा क्रॉप एंड जूम के ऊपर, क्रॉप एंड जूम के ऊपर क्लिक करूँगा, नया फेस आ जाएगा। मैं चाहता हूँ जितना मेरा ये फुल साइज सेलेक्ट है, यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ तक मेरा इस तरह से मेरा जो है फेस वो इतना मेरा सामने आए वीडियो के, बाकी ये अनसेलेक्टेड जो एरिया ये ख़त्म हो जाए, मैं ओके करूँगा। और इसके बाद आप देखिएगा मैजिक, अब इसको मैं प्ले करता हूँ, आप देखिएगा। एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग उस वीडियो को देख कर, देखा आप लोगों ने ये सामने आ गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसके बाद मेरा जो एरिया है वो वैसे सेम सेलेक्ट हो जाए। अगेन इसके ऊपर कट कर दूंगा मैं वहाँ से, आप देख लें, ठीक है, यहाँ से मैंने कट दे दिया इसको, ये अलग हो गई है। अब इसको मैं जाऊँगा अगेन इसके ऊपर क्रॉप एंड जूम के ऊपर, और यहाँ से मैं इसको जैसे था वैसे का वैसे सेम कर दूंगा, यानी मैं अब चाहता हूँ कि बाकी जो वीडियो है वो सारी की सारी एक्यूरेट साइज़ पे आए, और ओके कर दूंगा। और अब देखिएगा मैजिक, अब इसको प्ले करते हैं, ये देखिएगा। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग उस वीडियो को देखकर कंप्लीट मोबाइल इस तरह से ये खूबसूरती पैदा करती है आपकी वीडियो एडिटिंग में। तो हमने जनाब बेसिक जितनी भी थी, बल्कि थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी सीख ली हैं, अभी आते हैं। ये हमने जूम एंड जूम आउट कर लिया, अगर आपको इतनी एडिटिंग आ गई यकीन करें आप आराम से अपनी किसी की भी तरह एडिटिंग जो है वो किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं फिल्मोरा के अंदर। और फिल्मोरा बहुत आसान है इस्तेमाल करना इसको, और इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये जो वीडियो एडिटर है इसका बिटरेट बहुत अच्छा है, यानी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। मोबाइल पर आप इतनी अच्छी मर्जी एडिटिंग कर लें, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलता है वो मोबाइल पर नहीं मिलेगा।
अभी फॉर एग्जांपल हम बात यहाँ पर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चाहता हूँ कि साइड पे टिकटॉक का तस्वीर भी शो हो या किसी और की चीज़ की तस्वीर भी शो हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपने बारे में, अपना इंट्रो दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरी कोई पुरानी तस्वीर भी शो हो जाए, तो मैं यहाँ पर अपनी तस्वीर कोई भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देखी एक तस्वीर, अगर मैं अपनी देखता हूँ कोई तस्वीर मुझे मिल जाए, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरी तस्वीर है। मैं यहाँ डबल क्लिक करके सबसे पहले जो भी चीज़ आप लोगों ने लगानी है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर तस्वीर आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, ऐसे यानी मैं आप किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, साथ उसकी तस्वीर इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और आप इसी जगह पर वीडियो भी लगा सकते हैं, आप इस तरह से वीडियो भी लगा सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये वीडियो ही ना, इसको अगेन ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये तो फुल साइज़ पे है ना, लेकिन हम इसका साइज़ जो है वो भी कम करते हैं। इसको क्लिक करें, यहाँ से इसका साइज़ जो है छोटा करें, यानी जिस तरह से रिएक्शन वीडियो बनती है, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दें अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। ये देखिएगा ज़रा, आप लोगों ने एडिटिंग नहीं की, सो इंशाल्लाह यानी हमारी डबल वीडियो चल रही है, यहाँ पे वीडियो चल रही है, यहाँ पे चल रही है। या आपने साथ कोई वीडियो भी चलाना चाहते हैं तो आपने जितना भी काम करना है ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर करना है, नीचे तो आपकी आगे सबसे पीछे म्यूजिक लगा देना, इस तरह से आपकी वीडियो एडिटिंग होती जाएगी। तो ये थी जनाब बेसिक एडिटिंग बिगनर्स के लिए ये वीडियो थी, आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी होप सो। तो अब बारी है जनाब इस वीडियो को सेव करने की। तो हमने सेव कैसे करना है इस वीडियो को, ये एक्सपोर्ट लिखा नज़र आ रहा है, इस एक्सपोर्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, आप लोग जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छी वीडियो एडिटिंग आ जाएगी। जितना कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया है ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद आप मज़ीद चीज़ें जो सीखना चाहेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ खुद ही आइडिया होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन चेक मिल रहा है नीचे, एनेबल GPU जो है वीडियो इनकोडिंग के लिए। यहाँ पर अगर आपके लैपटॉप में लगा होगा वो ग्राफिक कार्ड, तो आप लोगों ने इस चेक के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी जल्दी जो है वो वीडियो सेव हो जाएगी। लेकिन अगर GPU नहीं लगा होगा तो ये ऑप्शन ही आपके पास फिलहाल नहीं आएगी, अगर आएगी तो आप लोगों ने ये चेक फिल नहीं करना। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। यहाँ से फॉर्मेट आपने MP4 सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर ये माई वीडियो लिखा है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वीडियो का नेम लिख देना जिस बारे में भी होगी। ये रेजोल्यूशन आप लोगों ने यही रहने देनी है, अगर आप इसे हाई करना चाहें तो हाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आप लोगों को ये बता रहा है कि साइज़ इसका 129 MB होगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ से आप लोगों ने सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये देखिएगा वीडियो जो है सेव होना शुरू हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर ये परसेंटेज चल पड़ी है, 0% है अभी। ठीक है, ये देखिए 1% हो गई है, तो ये मेरे ग्राफिक लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं तो ये इसलिए जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यूट्यूब फेसबुक से आप डायरेक्ट यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, तो मैं इसको यस करके यहाँ पर कट कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसको मैं कट कर देता हूँ। तो होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ लगी होगी, अगर आप लोगों को कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो क्लैरिफाई करवाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, आप लोगों को उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।